इन दिस लेक्चर आई एम कंटिन्यूइंग द प्रीवियस लेक्चर दैट इज़ द सर्कल ऑफ़ एल्यूमिनेशन तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने क्या बोला कि एक सर्कल हमने बनाया जो क्या करेगा डिवाइड करेगा अर्थ को कैसे कि मैंने बोला कि ड्यू टू द सेप ऑफ़ द अर्थ अर्थ का जो सेप है उसके कारण जो सन रेज होंगी जहाँ फॉल होगी वहाँ डे होगा जहाँ अपोजिट होगा वहाँ नाइट होगा तो ये सर्कल ऑफ़ इल्यूमिनेशन होगा अभी जो मैंने डिवाइड कर दिया मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा नाइट होगा क्यों अगर मैंने माना कि ये सन है सन है बड़ा होगा बिक पर डायग्राम इस सन है सन की रेस क्या होंगी इस फ्रंट पोर्शन पे आएंगी इधर नहीं आएंगी तो मैंने इस लाइन को डिवाइड करके क्या बोल दिया सर्कल ऑफ़ एल्यूमिनेशन तो हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया इस डायग्राम से ही हम पता चल जाएगा कि जो हम सर्कल ऑफ़ एल्यूमिनेशन बना रहे हैं वो एक्सिस एक एक्सिस से क्या होगा कॉन्साइड नहीं कर रहा है तो सर्कल ऑफ़ एल्यूमिनेशन और एक्सिस दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं करेंगे अब जो रोटेशन है हमें पता होगा कि जो अर्थ है वो क्या करता है ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब एक दिन उसे लगता है कंप्लीट करने में वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस मतलब ये एक्सिस है इसको इस एक्सिस पे पूरा घूमने पे कितना देर लगता है ट्वेंटी फोर आवर्स और वन डे और जो ये पीरियड ऑफ रोटेशन होता है हम इसको क्या बोलते हैं अर्थ डे वो भी बोलते हैं दिस इज डेली मोशन मतलब हर दिन अर्थ ये मोशन को परफॉर्म करता है कौन सा मोशन रोटेशन को अब देखिए अब कोई क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा अब देखिए सिंपल सा है अब देखिए सन रेज यहाँ फॉल हो रही हैं अब अगर अर्थ है ये रोटेट नहीं कर रहा है तो जो सन की रेज जहाँ पड़ेंगी यहाँ फ्रंट में सर्कल ऑफ़ इल्यूमिनेशन से फ्रंट में जो पड़ेगी सन रेज यहाँ पर क्या होगा हमेशा क्या रहेगा दिन रहेगा यहाँ पर हमेशा क्या होगा डे रहेगा और यहाँ पर कंटिन्यू सन की लाइट अगर आएगी तो ये क्या होगा यहाँ पर बहुत गर्म हो जाएगा मतलब वार्म हो जाएगा यहाँ पर हॉट हो जाएगा ये रीज़न जबकि जो ये दूसरा हाफ है जहाँ सन नहीं पहुँच रही हैं वहाँ पर क्या होगा कोल्ड होगा अब कहीं कहीं क्या होगा एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन हो जाएगी तो हम क्या देख रहे हैं अगर रोटेशन नहीं होगा तो यहाँ पर बहुत गर्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा बहुत ठंड हो जाएगा तो इस एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो सकती डिफिकल्टीज होंगी सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट वाई रोटेशन इज नेसेसरी एंड हाउ ड्यू टू द रोटेशन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ मेंटेन्ड। सो वी हैव लर्न अबाउट सर्कल ऑफ़ इल्यूमिनेशन द टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट इट रोटेशन दैट इज ट्वेंटी फोर आवर्स एंड वी कॉल दिस एज अर्थ डे And the earth daily motion, it is an earth daily motion. And we have studied what will happen if earth will not rotate. In the next lecture, we are going to study about the other motion that is the revolution, which is around a fixed path or orbit. And in this, the earth will move around the sun. We will cover this in detail. Thank you.